हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके साथ रोज की तरह आज भी हम बात कर रहे हैं आपके दैनिक राशिफल के विषय में, और इसके साथ साथ आपको पंचांग की भी जानकारी देंगे। और ये भी आपको बता दें कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 6 जून 2022 दिन सोमवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना जो चल रहा है वो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि आज भी छठ होगी यानी कि षष्ठी होगी, क्योंकि इस बार तिथि जो है वो बढ़ रही है, यानी कि 5 जून को भी षष्ठी तिथि और 6 जून को भी षष्ठी तिथि। नक्षत्र होगा मघा, योग रहेगा हर्षण, करण होगा तैतिल और राशि होगी आज सिंह। और चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में ही संचार करते रहने वाले हैं। राहु काल की समय अवधि कुछ इस प्रकार से है, प्रातः 7:22 से लेकर प्रातः 9:31 तक, और इस समय अवधि में कोई भी कार्य करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि इस प्रकार है, दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:50 तक, और इस शुभ समय अवधि में आप अपने जो भी शुभ कार्य हैं वो संपन्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गंडमूल रात्रि 2:26 पर आज समाप्त हो जाएंगे। ये थी जानकारी प्रिय साथियों आपको जो हमने दी पंचांग के विषय में। अब आपसे बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के विषय में, और बताना चाहते हैं कि ये जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के जो जातक हैं आज के दिन उनके सितारे क्या कहते हैं। तो देखिए, आज का जो दिन है, मैं मेष राशि के जातकों से कह रहा हूँ कि आपको अचानक कहीं सैर करने का मौका मिल सकता है, कहीं घूमने जाने का मौका मिल सकता है, ऐसा कोई प्लान बन सकता है। आपके जो भी कार्य हैं, जो भी आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, वो उसमें भावनाओं की अपेक्षा व्यवहार अधिक शामिल होगा, यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे व्यवहारिक रूप से करेंगे, और यह आपके लिए आवश्यक भी है और उतना ही ये आपके लिए बेहतर है अगर आप ऐसा करते हैं। साथ ही आज के दिन थोड़ा सा अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण अगर आप रखेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आप करें, गणपति जी की पूजा करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 7, शुभ रंग आपके लिए आज मैरून। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, तो साथियों आज के दिन आप जो भी आपके कार्य हैं या जो आपसे जुड़े हुए कार्य हैं या जिन कार्यों को आप कर रहे हैं या किया है, उनका आज के दिन आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति का दिन है, ये कहा जा सकता है। यदि आप डिटरमिंड हैं, दृढ़ संकल्प हैं, पूर्ण रूप से आपने अपना एक तरीके से मजबूत इरादा बनाया हुआ है अपने कार्यों को पूरा करने का, तो ये भी अपनी जो आपकी सोच है बहुत अच्छी सोच है, बहुत पॉजिटिव है। और आप स्वयं को भी अपने से बात करें और ये कहें कि मैं इस कार्य में जो भी मैं करने जा रहा हूं मैं इसमें पूर्ण रूप से सफल होकर के दिखाऊंगा और सफल होऊंगा, ऐसा आप विचार करके अपने कार्य को आरंभ करें कि रास्ते में कोई भी दिक्कत परेशानी बाधाएं चैलेंजेस जो भी आएंगे मैं उन सभी को फेस करूंगा। और अगर आपने इस प्रकार अपना रुख रखा, सोच रखा, ऐसे विचारों के साथ आपने अपने कार्य किए, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, ये मान के चलें। उपाय आप कर सकते हैं, जो आपका सीनियर है, जो आपका बॉस है, उसके साथ किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट में ना पड़े। बेशक अगर आप ये जानते भी हैं कि बॉस सही नहीं है, फिर भी आप उसके साथ किसी प्रकार का आर्गू ना करें, आज का दिन ऐसे कार्य के लिए नहीं है। और अपने पिता माता दोनों का सम्मान करें, उनके पांव छुएं सुबह उठ करके,
ये आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद का काम करेगा माता पिता का, जो आप पांव छुएंगे सुबह उठते ही, और आपके कार्य भी सिद्ध होंगे उनके आशीर्वाद से। शुभ अंक आपके लिए है आज 6 और शुभ रंग आपके लिए है आज आसमानी। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपको कुछ छोटी या कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहां पर हम ये कहेंगे कि आपके पास पर्याप्त बुद्धि है, आप इंटेलिजेंट हैं, और आप किसी भी ऐसी छोटी या बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, बजाय इसके कि आप निराश हों, हताश हों, परेशान हों, इसकी आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। आप पूरे बुद्धि के साथ अपनी इन सारी जो भी परेशानियां आपके सामने आती हैं छोटी या बड़ी, उनको आप सुलझा सकते हैं, इतने सक्षम आप हैं, कुदरत ने इतना आपको दिया है। दिन को अपने फेवर में लाने के लिए, अपना दिन बनाने के लिए आप कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं, अच्छे कार्यों में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, और थोड़े से अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाल दिए, कुछ थोड़े से अधिक प्रयास कर दिए, या कह सकते हैं कठिन प्रयास किए, तो मान के चलिए कि आप पूर्ण रूप से अपने कार्य के ऊपर हावी रहेंगे, जिससे कि आपको एक बहुत बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलेगी, और आप ये दिन के अंत में महसूस करेंगे कि आज का दिन आपके लिए बहुत सक्सेसफुल दिन रहा है। उपाय आप करें, एक मीठी रोटी कुत्ते को खिलाएं, ऐसा करने से पारिवारिक सुखों में आपके वृद्धि होगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 9, शुभ रंग आपके लिए है आज संतरी। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, कैंसर साइन जो है यानी कि कर्क राशि के जो जातक हैं, आज का जो दिन है साथियों, आपके लिए बहुत उत्साहवर्धक दिन रहेगा, काफी एक्साइटेड रहेंगे आप, काफी प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे, और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के कारण ही आपकी जो सोच है, आपका जो विचार है, वो कुछ इस प्रकार के बने रहेंगे आज के दिन कि आप ये मान करके चलेंगे कि मैं और मेरे लिए कोई भी समस्या समस्या नहीं है, मैं समस्याओं का सामना भी कर सकता हूं और समस्याओं को हल भी कर सकता हूं। आज आपकी कुछ इस तरीके की मेंटालिटी रहेगी, क्योंकि आज आप पूरे आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आज कोई आपके घर में कोई अच्छा शुभ कार्य भी हो सकता है, उसके कारण भी आपका मन प्रसन्न रहेगा, और वहां पर भी आप काफी आपका कंट्रीब्यूशन आप करेंगे उसमें भी। साथ ही कुछ नए मित्र भी आज आपके बन सकते हैं, कुछ नए मित्रों को आप अपनी मित्र मंडली में शामिल कर सकते हैं। उपाय आप करें, चांदी की चूड़ियां अगर महिलाएं हैं और पुरुष हैं तो चांदी का कड़ा आप धारण करें, ऐसा करने से आपके जो लोगों के साथ संबंध हैं उन संबंधों का आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है अगर ये उपाय आप करते हैं। शुभ अंक आपके लिए है आज 1, शुभ रंग आपके लिए है आज हरा। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, प्रिय साथियों, आज का जो दिन है आपके लिए सिंह राशि के जातकों के लिए, ये किसी ना किसी रूप में भी आपको तनाव दे सकता है, किसी भी बात को लेकर के आपका माइंड टेंशन में आ सकता है, और इसी कारण से आज आप अपने आप को यानी कि स्वयं को काफी असुरक्षित महसूस करेंगे, काफी इनसिक्योर फील करेंगे। लेकिन यहां पर हमारा आपको यहां पर व्यक्तिगत सुझाव है कि ऐसी भावनाओं को मन में बिल्कुल ना जगा दें, इनसिक्योर फील ना करें, और ऐसी किसी भी विचार जो भी ऐसा आता है दिमाग से उसको निकाल बाहर करें, क्योंकि आज इसकी संभावना अधिक है, ऐसा हो सकता है आपके केस में। और इसका फिर नुकसान क्या होगा अगर इस प्रकार की स्थिति रहती है? नुकसान सीधा ये है कि जो भी आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, जो एम हैं आपके, जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, उससे भी आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे और उनको पूरा करने में भी आपको दिक्कत
का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपनी जितना हो सके तनाव ना लें, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तनाव से मुक्त रहें और किसी भी तरह से अपने आप को इनसिक्योर फील ना करें। अपने कर्म पर विश्वास करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। उपाय आप करें किसी ज्ञानी व्यक्ति या किसी विद्वान या कोई न्यायकर्ता जैसे व्यक्तियों से आप संपर्क करें और उनका सम्मान करें जाकर के। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उनके द्वारा सही मार्गदर्शन मिल पाएगा, साथ ही आपके आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 8 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज सफेद। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन, तो आपको बताना चाहते हैं कन्या राशि के जातकों को कि आज का जो दिन है आपके लिए साथियों, कुछ ऐसे विकल्प आपको मिलेंगे कि जिन विकल्पों पर अगर आप काम करेंगे तो उनसे आपको कुछ लाभ हो सकता है। और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी अगर आप यूज करते हैं अपने कार्यों को पूरा करने में तो वे भी आपके लिए बड़ी लाभकारी चीजें रहेंगी। वो जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज करेंगे उनसे भी आपको काफी जल्दी सफलता प्राप्त होगी अपने कार्यों में, उसका उपयोग आपको करना चाहिए। कुछ जैसा मैंने कहा मॉडर्न टेक्निक्स का, कुछ अत्याधुनिक चीजों का, कुछ मॉडर्न जो आपकी सोच है उसका इस्तेमाल करें, थोड़ा रूढ़िवादी चीजों से अलग हट करके अपने आप को थोड़ा मॉडर्न बनाएं। मॉडर्न बनाने से मतलब ये है कि सोच अपनी मॉडर्न रखें। आपको इस तरीके के विकल्प जो हैं, जैसे भी जो भी इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे उनसे क्या होगा, परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल सकती हैं अगर आप उन पर काम करेंगे। और ये चीजें हैं, ये धन के रूप में भी आपको लाभ दे सकती हैं किसी ना किसी भी तरीके से। और आज का दिन आपका अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छा दिन रहेगा, बहुत सक्सेसफुल दिन रहेगा। लेकिन जो हमने चीजें अभी आपको बताई हैं, अगर आप उन सभी चीजों का आज के दिन उपयोग करते हैं तो उपाय करना है। देखिए ज्ञान जो होता है व्यक्ति का, वो एक इतना इंपॉर्टेंट, इतना बहुमूल्य धन जिसको कहते हैं हम, बेशकीमती धन जिसकी कोई कीमत नहीं होती और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। सबसे बड़ी जो खूबी है ज्ञान की वो ये है कि जो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है वो ज्ञान कोई दूसरा आपसे छीन नहीं सकता। आपका पैसा आपसे छीन लेगा, आपकी कोई दूसरी वस्तु आपसे छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। और आप आज के दिन अपने उसी ज्ञान का मॉडर्न टेक्निक्स के रूप में इस्तेमाल करके अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं और अपना दिन भी सफल बना सकते हैं। और यहां अगर हो सके तो क्या करें इसके लिए, कुछ ज्ञानी या कुछ विद्वान जो लोग हैं उनकी संगत में जाएं, उनका सम्मान करें, वहां से भी आपको बहुत कुछ जीवन से जुड़े अनुभव का ज्ञान होगा। शुभ अंक आपके लिए आज 7, शुभ रंग आपके लिए है आज स्लेटी। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, तुला राशि के जातकों को बताना चाहते हैं कि साथियों आज के दिन आप एक तो एकांत में अपने आप को ज्यादा ना रखें, यानी कि घर के अंदर सीमित दायरे में रखना बहुत लोगों की आदत होती है, ज्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं कर पसंद करते, लोगों के बीच में जाना आना पसंद नहीं करते, लोगों के साथ मिलकर के कार्य करना पसंद नहीं करते। तो अगर ये भी आपके चीज दिल और दिमाग में घर कर गई है तो इसको आप धीरे धीरे निकालें। और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप सोशल बने, समाज में जाएं, समाज के लोगों के साथ मिलें जुलें, ताकि उसमें फिर आपकी एक पहचान बनती है, लोग आपको पहचानते हैं, आपके गुणों को पहचानते हैं, आपकी काबिलियत को पहचानते हैं, आप क्या हैं,
ये लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप सीमित दायरे में रहकर अपने आप को रखेंगे तो इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। तो आप, हम जो ये आपसे सुझाव दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसी ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना अच्छी बात है, उनके साथ रहें, लेकिन परिवार से बाहर जाकर के भी, समाज में जाकर के अगर कुछ अच्छे कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, आप किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप धर्म के कार्यों में रुचि लेते हैं, अगर वहां आपको कुछ तन मन और धन से कुछ सेवा करनी पड़ सकती है तो आप जरूर करें, क्योंकि उसका आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है आने वाले समय में। और आप तुला जो राशि के जातक हैं उनको ये भी बताना चाहते हैं कि किसी चीज को लेकर के मन में किसी प्रकार का भय ना रखें, कोई डर ना रखें। अगर आपके अंदर भय बना रहेगा तो आप किसी भी कार्य को आगे करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे मानसिक तौर पे, मेंटली। तो एक तो भय को सबसे पहले निकालिए अपने अंदर से। जब आप निर्भय होकर के कार्य करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और अपना एनर्जी लेवल भी आप अपना मेंटेन रख पाएंगे। जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य की ओर भी आपको आज के दिन ध्यान देना आवश्यक है। और ये खान पीन की चीजें, विशेष रूप से स्ट्रीट फूड का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। और अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, धन का, तो उसको कहीं भी बिना सोचे समझे ऐसे ही इन्वेस्ट ना करें। पहले किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें, तभी अपना पैसा कहीं लगाएं, ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको उसके मिल सकें। आज किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, हालांकि ये यात्रा थोड़ी भागदौड़ भरी रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत लाभ इसका आपको मिल सकता है। उपाय आप करें, बागवानी करें अपने घर के आगे। अगर कोई आपने छोटी मोटी आपने लॉन है, गार्डन है, वहाँ पर कुछ फ्लावर्स वगैरह, कुछ पौध वगैरह लगाई हुई हैं, तो आप उसमें अपना टाइम लगा सकते हैं, बागवानी में अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं करने में। ये आपके लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा। और अपने घर में या क्यारी में अगर हो सके तो व्हाइट कलर के पुष्प अधिक लगाएं। ऐसा करने से आपको कुछ पॉजिटिव वेव्स आपके पास आएंगी, आपके घर में आएंगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 5 और शुभ रंग आपके लिए केसरी। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। साथियों, आज के दिन आपको अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत होगी हर मामले में। जल्दबाजी किसी चीज में ना करें। अगर आप कहीं रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो फास्ट स्पीड में ना चलें। ये कोशिश नहीं रहनी चाहिए आपकी कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं या जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचूं। उसके लिए आप फास्ट स्पीड रखें अपनी वाहन की, अपनी गाड़ी की, अपनी बाइक की। तो एक तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, स्पीड को सीमित मात्रा में ही रखें, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और आज के दिन कुछ ज्यादा भावनात्मक रूप से भी आप जुड़े रह सकते हैं, लेकिन यहां पर हम यही कहेंगे कि अपना ज्यादा इतना इमोशन ठीक नहीं है, इतना भावनाओं में भी नहीं बहना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि उसका क्या मतलब होता है, दूसरे लोग उसका बेनिफिट ले लेते हैं। देखिए, आप अगर अपना ध्यान में या योग में समय लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और इससे आपको काफी सुकून और काफी राहत मिलेगी। उपाय आप करें, सर्पाकार चांदी की अंगूठी धारण करने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 4, शुभ रंग आपके लिए आज नीला। धनुराशि यानी कि सेजिटेरियस साइन। साथियों, आपको बताना चाहते हैं धनुराशि के जो जातक हैं, आज का दिन आपके लिए है, और ये दिन आपका आज बहुत, पूरा ही दिन कहा जा सकता है कि बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ रहेगा। कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है जिसको सुनकर के आपका दिल और अधिक खुश हो जाएगा, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है। आज पूरे दिन आप प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेंगे, और आज के दिन जो भी आपके आसपास कार्य हो रहे हैं या
आपके जो जूनियर्स हैं उनके द्वारा या जो आपको असिस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा, उनके कार्यों से भी आप काफी हद तक सेटिस्फाई रहेंगे और उनके कार्यों की आप मन ही मन काफी उनको एप्रिशिएट भी करेंगे। और आज के दिन अगर किसी बड़े कार्य से संबंधित कोई डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है तो बेहिचक ले सकते हैं आप। आज का दिन ऐसा दिन है, बहुत उपयुक्त दिन है कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन आपका आत्मविश्वास भी मेंटेन बना हुआ, मेंटेन किया हुआ, मतलब मेंटेन है एक तरीके से, पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे आज आप, अच्छे डिसीजन ले सकेंगे, अगर चाहते हैं तो जरूर लें बड़ा डिसीजन। लेकिन उपाय के तौर पे इतना जरूर करें कि सरसों का तेल पीपल की पेड़ की जो जड़ होती है उसमें चढ़ाएं, ऐसा करेंगे तो धन का आगमन अधिक मात्रा में होगा। आप शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए आज पीला। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन साइन, साथियों आज का जो दिन है आप अपनी इच्छाओं को, जो आपकी कोई विशेष रूप से इच्छा है जो काफी टाइम से पूरी नहीं हो पा रही थी किसी भी कारणवश, चाहे वो फाइनेंस की कमी की वजह से या कुछ और कोई कारण रहा हो, आज के दिन आप अपनी उस इच्छा को पूरा कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी आज आपके साथ, आप इस स्थिति में रहेंगे कि आप अपनी उस इच्छा को पूरा कर सकें। साथ ही कुछ अच्छे और विशिष्ट विशिष्ट व्यक्तियों के साथ आपके संबंध स्थापित हो सकते हैं, बन सकते हैं, और ये जो संबंध हैं आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले दिनों में। इससे ऐसे संबंधों से आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, वहाँ पर भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ को देख करके भी आप काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे। कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जिसको देख करके आप आक्रोश में आ जाएं, आवेश में आ जाएं या आपका मूड खराब हो जाए, ऐसा कोई दूर तक योग नहीं है ग्रहों का। बल्कि आज का दिन तो ऐसा है कि आप अपने मित्रों का दिल भी जीत सकेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि आपके मित्र भी आपके कायल हो जाएंगे। उपाय आप करें, नीले कपड़े में 7 काली उड़द के दाने ले लें और 7 काली मिर्च, 1 कच्चा कोयला रख लें और किसी भी सुनसान एकांत जगह में जमीन में उसको दबा दें। ऐसा करेंगे तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 5 और शुभ रंग आपके लिए है आज गुलाबी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन, साथियों आप जहां पर भी हैं, जिस महकमे में काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रोजगार गए हैं आपका, चाहे वो विभाग जो भी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, या फिर अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो आज का दिन कुछ ऐसा रहेगा आपका कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनका कुछ अधिक प्रेशर रहेगा, और क्योंकि जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी तो हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा दबाव महसूस करें और थोड़े विचलित हो जाएं कि भाई एक साथ इतनी सारी परेशानियां मेरे ऊपर आ गई तो मैं किस तरीके से इनको एक साथ कैसे फेस करूंगा, कैसे इनको सॉल्व करूंगा, कैसे इनको फुलफिल करूंगा, यह आपके सामने क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन यहां पर हम आपको यही कहना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम ये सुझाव दे रहे हैं कि जहां एक ओर आपको इस प्रकार का परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर अगर आपने अपना मन मजबूत बना लिया, डिटरमिंड हो गए आप कि कोई बात नहीं, आने दें जिम्मेदारियां, देखा जाएगा, और कोई आप टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है जिम्मेदारियां हैं, आ रही हैं, अच्छी बात है, और आ जाएं, करेंगे और अपनी पूरी क्षमता के साथ करेंगे, पूरी कैपेसिटी के साथ करेंगे, जो भी हमारे पास काबिलियत है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए इसको करेंगे। अगर आपने इस सोच के साथ कार्य को आरंभ किया तो कोई कारण ही नहीं है कि आपके कार्य पूरे ना हो, आप उन जिम्मेदारियों को पूरा ना कर सकें। थोड़ा सा आपको डेयरली ये चीजों को फेस करना पड़ेगा। बस इतना जरूर है कि कोई भी कार्य को करने के लिए आप जल्दबाजी ना करें,
ये ना सोचें कि जल्दी जल्दी मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं और फटाफट मैं ये भी कर लूं और आज पूरे दिन में मैं ये सारे काम फिनिश कर दूं। ऐसा ना करें, जल्दबाजी अगर करेंगे तो काम आपके बिगड़ सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके द्वारा कोई छोटी या बड़ी मिस्टेक हो सकती है जिसके लिए फिर आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो इसलिए जैसा हमने कहा है उसी आधार पर अगर आप आज के दिन कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप दिन के अंतिम समय में अपने आप को काफी सुकून में महसूस करेंगे। उपाय आप करें, सरसों के तेल में अपना चेहरा जरूर देख लें और चेहरा देखकर उस तेल के गुलगुले बनाकर पक्षियों में डालें छत पे जाकर के। ऐसा करने से आपकी जो धन की स्थिति है वो बेहतर होगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 3, शुभ रंग आपके लिए है आज भूरा। मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन अंत में, मीन राशि के जो जातक हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आज के दिन आप कोई भी बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर ना लें तो आपके ये हक में अच्छा रहेगा। आज के दिन जो भी आपके इंपॉर्टेंट कार्य हैं जिनको आप सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ऐसे उन सभी कार्यों को आज के दिन आप हो सके तो टाल दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कार्यों में आपको अगर आज आप हाथ में लेते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से परेशान होना पड़ सकता है या कार्य आपका बिगड़ सकता है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक बात और भी कहना चाहेंगे, छोटी बहुत छोटी मोटी चीजें जीवन में होती रहती हैं डे टू डे लाइफ में, तो ऐसी चीजों को देख करके अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो उनको देख करके आप निराश ना हो, हताश ना हो और ऑप्टिमिस्ट रहें, पैसिमिस्ट ना हो। देखिए व्यक्ति को हमेशा आशावादी रहना चाहिए और आशावादी का मतलब होता है पॉजिटिव सोच। जब हम कुछ पॉजिटिव सोचेंगे तभी हमको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम पहले ही किसी चीज के बारे में ये सोच लें कि नहीं ये तो नहीं हो सकता या ये मेरे लिए अच्छा है ही नहीं, तो ये फिर वो क्या होता है, जब एक बार मन में ऐसा बैठ जाता है तो वो चीज़ ऐसा लगने लगता है कि ये है ही नहीं अपने लिए। लेकिन ये सिर्फ मन का बहम होता है प्रिय साथियों, तो इस चीज़ से बचना है। और उपाय आप क्या करें, मांसाहारी अगर आप हैं तो कृपया करके मांसाहार भोजन को त्याग दें, शाकाहारी बने अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्वास्थ्य आपकी सेहत अच्छी बनी रहे, तो आपको नॉन वेज फूड का त्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा, तभी आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। शुभ अंक आपके लिए है आज 2 और शुभ रंग आपके लिए है आज ग्रे। तो मेरे प्रिय साथियों ये था 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक, दिनांक 6 जून सन 2022 दिन सोमवार संवत 2079 का। और हमने ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन प्रिय साथियों अब समय आ गया कि अब हम यहां पर आकर के अपनी वाणी को अंत में विराम दें और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी इजाजत लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।